जय हिमालय जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र खेड़ा इस बार कुमाऊनी बावड़ों के इतिहास पर बात करूंगा। जब तक मैं आगे की जानकारी दूं तब तक इस हिमालयी लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तथा नोटिफिकेशन की बेल को भी ओके कर दीजिए। आप जानते ही हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक, भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालयी लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालयी लोक वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। गढ़वाल के ब्राह्मणों और यजमानों के बाद अब कुमाऊं के ब्राह्मणों के इतिहास पर यह वीडियो लाया हूं। इसके बाद कुमाऊं के यजमानों के बारे में वीडियो लाऊंगा। मैं पहले ही साफ कर देता हूं कि मेरा उद्देश्य इतिहास की जानकारी देना मात्र है, किसी को भी महिमा मंडित करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। यह एक इतिहास है और जिसे पहाड़ के लोगों ने जिया। किताबों में सिमटी इस जानकारी को नई तकनीक से लोगों के सामने रखना ही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। इस वीडियो का मुख्य आधार कुमाऊं केसी बद्रीदत्त पांडे की पुस्तक कुमाऊं का इतिहास, हिमालय इतिहास एटकिंसन और प्रसिद्ध साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन के संदर्भ तथा कुमाऊं के लोगों से एकत्रित जानकारी है। कुमाऊं की प्राचीन जातियों में कोली और मुंड लोग शामिल हैं। माना जाता कि ये लोग ही यहाँ प्राचीन समय से रहे हैं। इनके साथ ही किरात, नाग, राजी, थारो, बोक्सा, भोटिया, हूण के साथ ही खस शामिल हैं। इनमें सबसे अधिक प्रभावशाली और सशक्त खस रहे हैं। कोली या मुंड के बाद यहाँ नाग आए, फिर किरात आए, इनके बाद खस आए और उन्होंने हिमालय के ढलानों को लहलाते खेतों में बदल दिया था, आबाद कर दिया था। उत्तरी सीमाओं से मंगोल मूल के लोग भी यहाँ आते रहे। बाद में मैदानों से वैदिक कार्य आए व अन्य भी आते रहे। इन सभी ने मिलकर आज का कुमाऊनी समाज बनाया। आप जानते हैं कि कत्यूरी शासन तक कुमाऊं और गढ़वाल एक ही प्रशासनिक इकाई के तहत थे। कुमाऊं में चंदों और गढ़वाल में पवारों के उदय के बाद ही ये पूरी तरह से अलग अलग इकाइयों में बट गए। कत्यूरी शासन के पतन के बाद कुमाऊं में चंद शासन करने लगे। चंद झूसी या कन्नौज यानी मैदानी क्षेत्रों से आई क्षत्रिय थे। चंदों के बाद मैदानी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में ब्राह्मण और क्षत्रिय समेत विभिन्न जातियों के लोग यहाँ आए। कुछ मुकिल आक्रांताओं के भय से भी आए और कुछ पर्यटन तीर्थाटन के लिए आए थे। कत्यूरी शासन समाप्त हो जाने के बाद यहाँ के खस राजाओं का शासन भी खत्म हो गया। यहाँ जब मैदानों से आए वैदिक क्षत्रियों ने सत्ता पर कब्जा किया तो उनके साथ आए बहुत से ब्राह्मण भी शासन में प्रमुख पदों पर आसीन हो गए। इन्होंने खुद को दूसरे ब्राह्मणों से श्रेष्ठ घोषित कर दिया था। इसी तरह कुमाऊं की सौर घाटी और नेपाल के डोटी क्षेत्र कभी चंदों के पास तो कभी डोटी राजाओं के शासन में रहते रहे। इसलिए कुमाऊं में गढ़वाल तथा नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों की जातियों के सरनेम वाले लोग भी बड़ी संख्या में मिलते हैं। इसके अलावा मैदानों से आए ब्राह्मण क्षत्रिय भी यहाँ बड़ी संख्या में हैं और उनके सरनेम भी वही हैं। कुमाऊं का पौराणिक नाम मानसखंड है। मानसखंड यानी कैलाश पर्वत और मानसरोवर तक का क्षेत्र कभी कुमाऊं का हिस्सा था। मैदानी क्षेत्रों के धार्मिक प्रवृत्ति के लोग कैलाश मानसरोवर के दर्शनों के लिए यहाँ कुर्मांचल आते रहे और अधिकतर यहीं के होकर रह जाते थे। इसके अलावा यहाँ के राज परिवारों के आग्रह पर भी ब्राह्मण यहाँ बसते रहे। कई ब्राह्मण और क्षत्रिय मैदानी क्षेत्र में मुस्लिम आक्रांताओं के कट्टरपन और धर्मांधता से बचने के लिए भी हिमालय की शरण में आए। वैदिक सभ्यता के विकास के साथ ही रामायण काल और फिर महाभारत काल में भी यहाँ ब्राह्मण आ चुके थे। खस राजाओं के शासन में भी उनके पुरोहित ब्राह्मण ही थे। अब कुमाऊनी ब्राह्मणों के बारे में बताता हूँ। कुमाऊं में ब्राह्मण समाज आमतौर पर ठुल धोती यानी बड़ी धोती और नंद धोती यानी छोटी धोती में विभक्त है। कुमाऊं में ब्राह्मणों में भेद भात पकाने को लेकर नहीं है जैसा कि गढ़वाल में है, बल्कि यहाँ खेतों में हल जोतने को लेकर रहा है। चंद नरेशों के शासन में मैदानों से आए ब्राह्मणों को राज दरबार में बड़े पद मिले। वे मंत्री, पुरोहित, दीवान, अधिकारी, रसोइया, वैद्य आदि थे और अपने खेतों में हल नहीं लगाते थे। राज दरबार के उच्च पदों पर आसीन इन ब्राह्मणों ने खुद को श्रेष्ठ घोषित कर दिया और जो ब्राह्मण खेतों में हल जोतते थे उनका कमतर मानने लगे। संभवतः नंद धोती इसलिए कहा गया होगा कि हल चलाते समय मिट्टी से अपनी धोती को बचाने के लिए उसे ऊपर मोड़ना पड़ता है। यही कुमाऊनी ब्राह्मणों में भेद है। खेतों में हल नहीं लगाने वाले ठुल धोती यानी बड़ी धोती के ब्राह्मण कहलाए, जबकि खेतों में हल लगाने वाले ब्राह्मणों को नंद धोती कहा गया। कुमाऊं में ईसाई मिशनरी के लालच से भी कुछ ब्राह्मण परिवार ईसाई बन गए थे। ये अधिकतर बड़ी धोती के ब्राह्मण थे।
इनमें पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की पत्नी शीदा आयरन पंत उर्फ राणा लियाकत अली खान भी प्रमुख है। वह फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान बनी। इस कड़ी में अगला नाम विक्टर मोहन जोशी है। ठुल धोती नंद धोती की बावड़ों में लंबे समय तक रोटी बेटी के रिश्ते भी नहीं होते थे। हालांकि यह समय बदलने के साथ यह भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, परंतु इसकी गति बहुत ही धीमी है। कुमाऊं के ब्राह्मण मुख्यतः तीन श्रेणी में बटे हैं। कुछ लोग चार श्रेणियां बताते हैं। एक वे हैं जो मैदानी क्षेत्रों से आए और चंद राजाओं के शासन में उच्च पदों पर थे, उनको ठुल धोती कहा गया। दूसरे वे ब्राह्मण थे जो मैदानी क्षेत्रों से आए थे लेकिन राज दरबार तक पहुंच नहीं होने के कारण वे ब्राह्मण की वृत्ति करते रहे और अपने खेत जोते रहे। तीसरी श्रेणी के खस ब्राह्मणों की थी। चूंकि उत्तराखंड में अब खसों की पहचान भी मिट गई है, इसलिए खस ब्राह्मणों की भी पहचान अलग से कुछ नहीं रह गई है। उत्तराखंड में यहाँ के कोई भी खस अब अपने को खस कहलाना पसंद नहीं करते हैं, तो ये नंद धोती के ब्राह्मण कहे जाते हैं। कत्यूरी समेत सभी खसों की सत्ता जाते ही ये खस ब्राह्मण भी दरबार से दूर हो गए थे और वे भी जन सामान्य की तरह जीवन जीते रहे। कुमाऊं में प्राचीन काल से ब्राह्मण रहते आए हैं। महाभारत काल में भी थे। कुलिंद और कत्यूरी के शासन में भी यहाँ ब्राह्मण थे। माना जाता है कि कुमाऊं में मैदानों से 6वीं से 8वीं शताब्दी से ब्राह्मण बड़ी संख्या में मैदानों से आने लगे थे। अधिकतर दक्षिण व पूर्वी भारत से आए। इनके अलावा कुमाऊं में कई ब्राह्मण जातियां नेपाल से भी आई, जबकि नेपाल में माना जाता है कि वहां ओली, पंत, जोशी, अधिकारी, पांडे आदि ब्राह्मण जातियां कुमाऊं मंडल से गई। यह भी कहा जाता है कि नेपाल के ब्राह्मणों में लगभग 10% पंत हैं। कुमाऊं केसरी बदी दत्त पांडे अपनी पुस्तक कुमाऊं का इतिहास में लिखते हैं कि कुर्माचल में ब्राह्मणों की अनेक श्रेणियाँ पाई जाती हैं। ब्राह्मण की मुख्यतः चार श्रेणियां हैं। इनमें से पहली व दूसरी श्रेणी के ब्राह्मण कत्यूरी तथा चंद राजाओं के समय में यहाँ कर बसे। तीसरी श्रेणी में कुछ तो यहाँ मध्यकाल के खस राजपूतों के समय के रहने वाले हैं। इनका आचार व्यवहार पहली दो श्रेणियों के ब्राह्मणों से कुछ भिन्न है। कुछ ब्राह्मण पंजाब, नेपाल तथा गढ़वाल से भी यहाँ आए। पांडे जी यह भी लिखते हैं कि काली कुमाऊं के राजाओं के समय ब्राह्मणों के चार भेद थे, चार चौथानी, पंचबिड़िया, खतीमन या खटकाला और कुलेमन। काली कुमाऊं क्षेत्र चंपावत का है, जहां से चंद राजाओं ने अपना शासन शुरू किया था। कुमाऊं में चंद नरेश रुद्रचंद ने गढ़वाल में सरोला ब्राह्मणों की तरह अपने राज्य में चौथानी ब्राह्मणों की प्रथा बनाई थी। इनमें झाड़ के जोशी, सिमल्टिया पांडे, देवलिया पांडे तथा मंडलिया पांडे ये चार ब्राह्मण परिवार चौथानी कहलाए। कुछ कुमाऊं के बिष्ट ब्राह्मणों को भी समूह में बताते हैं। इस तरह इन चौथानी ब्राह्मणों में जोशी, पांडे और बिष्ट ब्राह्मण शामिल किए गए थे। पंत और तिवारी बाद में शामिल किए गए। इस श्रेणी में उपरेती, कांडपाल, लोहानी, पाठक, अवस्थी समेत कई अन्य जातियां भी शामिल हैं। बाद में यह संख्या बढ़ती चली गई। कुमाऊं में बहुत से ऐसी ब्राह्मण जातियाँ हैं जो मैदानों से आई और उनके सरनेम वही रहे। चंद राजाओं के दरबार में ज्योतिष का काम देखने वाले कई ब्राह्मणों को जोशी कहा गया, भले ही वह पहले किसी भी सरनेम का रहा हो। इसी तरह कुछ मामलों में पांडे एक उपाधि के तौर पर भी दी जाती थी। बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं जिनका जाति संज्ञा नाम उनके गांव के नाम पर पड़ा। ब्राह्मणों की एक श्रेणी वह भी है जो कि खसों और वैदिक कार्यों के मिलन से पैदा हुई। बड़ी धोती के ब्राह्मणों को लेकर यह बताना आवश्यक है कि सभी जोशी, पांडे आदि बड़ी धोती के ब्राह्मण नहीं हैं। अलग अलग गोत्र के जोशियों, पंतों व पांडे में एक ही सरनेम के ब्राह्मणों में शादी भी हो जाती है। चंद नरेश रुद्रचंद ने चौथे ब्राह्मणों के नीचे पंचबिड़िये तथा तिथानी के नीचे हली व पितलीय ब्राह्मणों के वर्ग बनाए थे। रुद्रचंद्र का शासन 1564 से 1597 ईस्वी माना जाता है। उन्होंने इसी तरह के और भी कई श्रेणियां बनाई थी। इनके तहत गुरु, पुरोहित, वैद्य, पौराणिक, रईस, बखरिया, राजकोली, पहरी, बाजदार, भजनिया, टमटा आदि पद निर्धारित किए थे। रुद्रचंद ने नए सिरे से सामाजिक व्यवस्था स्थापित की और इसके लिए उन्होंने धर्म निर्णायक नाम की एक पुस्तक लिखवाई।
इस पुस्तक में उन्होंने ब्राह्मणों के गोत्र और उनके पारस्परिक संबंधों का विवरण शामिल किया था। अब ब्राह्मणों के बारे में जानकारी देता हूं। पंत पांडे जोशी व तिवारी पाठक लोहानी अवस्थी आदि से शुरू करता हूं। पंत पांडे जोशी की कुछ शाखाओं को लेकर कहा जाता है कि वे महाराष्ट्र गुजरात से सीधे कुमाऊं आने के बजाय नेपाल के रास्ते यहां पहुंचे थे। कुमाऊं की तरह महाराष्ट्र में भी पंत, सावरकर, राणा डे आदि जातियां चित्पावन ब्राह्मण कहलाती हैं, जो मूलतः पश्चिमी एशिया से आए ब्राह्मण जातियां मानी जाती हैं। कुमाऊं के प्रमुख ब्राह्मण जातियां इस तरह हैं। जोशी, ज्योतिष का ज्ञान रखने वालों को ज्योतिषी या जोशी कहा गया। पुराने ताम्र पत्रों में इनको जोशी लिखा गया है। कुमाऊं में जोशी ज्यादातर कान्यकुब्ज हैं। कुमाऊं में कुछ जोशी कई शताब्दियों तक राजनीतिक सत्ता का आनंद लेते रहे। इनमें अधिकतर जिझाड़ और दान्यासी थे। बाद में कुछ गली के जोशी व चीना खान के जोशी भी इस क्षेत्र में सक्रिय रहे। गढ़वाल के अधिकतर जोशी स्वयं को कुमाऊं मूल का बताते हैं। कुमाऊं के जोशी विभिन्न गोत्रों के हैं। वास्तव में चंद राजाओं के समय प्रकांड ज्योतिषियों को जोशी कहा जाने लगा था। इस तरह विभिन्न कुल व गोत्र के लोग जोशी कहलाए। जिझाड़ के जोशी पंडित सुधानिधि चौबे के वंशज हैं। वे कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं। पंडित सुधानिधि चौबे उन्नाव के निकट ध्युदिया खेड़ा के निवासी थे। उन्होंने कुंवर सोम चंद की कुंडली देखकर कहा था कि वे शीघ्र एक दिन राजा बनेंगे। सोमचंद ने कुमाऊं का राज पाने पर उन्हें अपना मंत्री बनाया था। उन्हें चंपावत के निकट सेला खोला नामक जागीर के रूप में दी थी। उन्हें सेला खोला का जोशी कहा गया। जब उनके पुत्र श्री नरोत्तम जोशी और श्री विष्णुदास अल्मोड़ा के पास झिझाड़ या जुसियार गांव में बस गए तो उन्हें झिझाड़ का जोशी कहा गया था। दानिया के जोशी ये श्रीनिवास द्विवेदी के वंशज हैं। वे प्रयागराज के निकट जयराज मकाव के निवासी थे। उपमन्यु गोत्र के हैं। 14वीं सदी में राजा थोहर चंद के शासनकाल में काली कुमाऊं आए थे। राजा ने उनके काम से खुश होकर उन्हें पांडे की उपाधि दी और उन्हें चौथनी ब्राह्मण में शामिल किया था। गली के जोशी अंग्रेज गोत्र के दो भाई श्री नाथुराज और श्री विजयराज ज्योतिषाचार्य थे। कन्नौज से कत्यूरी राजा के शासनकाल में कत्यूर क्षेत्र में आए। उन्हें शाहिद ज्योतिषी नियुक्त किया गया था और उन्हें जागीर के रूप में ग्राम सेदु या सेनु दिया गया था। मेरंग के जोशी मणकोटी राजा के समय डोटी इलाके के पीउठवा स्थान से श्री हरि शर्मा गंगोली आए। कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं और ज्योतिष में प्रवीण होने पर पोखरी गांव मिला, इसलिए मेरंग या पोखरी के जोशी कहलाए। लटौला जोशी पंडित रुद्र चंद पंत के अनुसार कन्नौज के श्री शशि शर्मा चंद राजाओं के समय काली कुमाऊं आए, जबकि पंडित रामदत्त दुबे के अनुसार श्री पचारत दुबे शुक्ल बद्रीनाथ यात्रा पर आए थे। लटौला गांव की जागीर मिलने से लटौला जोशी कहलाए। हालांकि रुद्र चंद पंत के अनुसार श्री शशि शर्मा विद्वान थे, परंतु उनकी आवाज तुतलाती थी, इसलिए उनको लाटो कहते थे और इसलिए लटौला जोशी कहलाए। सिलवाल जोशी चंद नरेश सोमचंद के समय कन्नौज के निकट असनी गांव के भारद्वाज गोत्री श्री लंकराज द्विवेदी तीर्थ यात्रा पर कुमाऊं आए थे। सिल ग्राम की जागीर मिलने पर सिलवाल जोशी कहलाए। इन जोशियों की संतानें जब विभिन्न क्षेत्रों में बसी तो वहां के जोशी कहलाए और सिलवाल जोशियों के कुछ और वंशज बाद में सैंज के जोशी और मकड़ी या खेर्द के जोशी भी कहलाए। चीना खान के जोशी पंडित लीलानंद के समय की वंशावली के अनुसार राजा ज्ञानचंद के दरबार में श्री हरु व श्री बरु नाम के दो ज्योतिषी बंधु थे। उनके वंशज चीना खान में बसने से चीना खान के जोशी कहलाए। पंत भारद्वाज गोत्र के पंडित जयदेव पंत कोंकण क्षेत्र से तीर्थ यात्रा पर आए थे। वे 10वीं सदी में चंद राजवंश के दौरान आए थे। वे गंगोली के मनकोटी राजा के दरबार में गए। राजा ने उन्हें रिखाड़ी की जागीर दी थी। बाद में उपरेतियों के उपरेतड़ा या उपरड़ा की जागीर भी दी। इनके वंशजों में चार तरह के पंत हुए। एक पंत उपरेतियों के संबंधी हो गए थे। राजा ने उपरेतियों से संबंध नहीं रखने को कहा, पर वे नहीं माने, हट करते रहे, इसलिए हटवाल कहलाए। यह भी कह जाता है कि दरबार से बाहर हाट में रहने से ये हटवाल कहलाए थे। तो ये भारद्वाज गोत्र के पंत थे। अब पाराशरी पंत पंडित दिनकर राव पंत पारसर गोत्र के अपने साले पंडित जयदेव पंत के साथ आए थे।
मनकोटि नरेश ने उन्हें जोगड़ा गांव जागीर के रूप में दी थी। उनके वंशज उन्हें कलशिला, पिपिटलेट, चितगल और गंगोली के अन्य गांव में बसने हैं। कुछ लोग इनके प्रथम पुरुष का नाम श्री नीलमणि पंत भी बताते हैं। वशिष्ठ गोत्री पंत, इनके पूर्वज भी महाराष्ट्र से आए थे और पन्ना और कुरकोली में बसे। श्रम पंत, इस कुल के वंशज अल्मोड़ा, उपराड़ा, कुणालता, बरसायत, बाराव, जाजुत, मलेरा, अघर, छक्ता और मंजौल आदि गांव में रहते हैं। श्रीनाथ पंत, इस कुल के वंशज तिलारी, पांडेखोला और अग्रौन गांव में रहते हैं। नाथू पंत, इस कुल के वंशज दुमलखेत, खोंट, जोली और सितौली गांव में रहते हैं। भवदास या भवदास पंत, इस वंश के वंशज पाली, शिनारकोट, गौरौन गांव, धनोली और खतौली आदि गांव में रहते हैं। वत्स भार्गवत गोत्री पंत, इनके मूल पुरुष श्री ब्रह्म पांडे थे। वे कांगड़ा से आए, राजा संसार चंद के वैद्य बने। इनके चार पुत्र हुए, श्री बद्री, श्री कालधर, श्री दशरथ और श्री देवकीनंदन। बद्री न्यायालय परकोट में बसे। उनके वंशों को परकोटी पांडे या न्याल के पांडे कहा जाता है। कालधर के वंशज सिरा में वैद्य रहे। दशरथ, उनके वंशज वैद्य के नाम से प्रसिद्ध हैं और अनूप शहर में बसे। देवकीनंदन के वंशज राजा के पुरोहित थे और मजेड़ा में बसे। सिमतलिया पांडे, पांडे की बात करते हैं। कश्यप गोत्र के श्री हर पांडे कन्नौज के राजा सोमचंद के साथ आए थे। हालांकि कुछ लोग इनको कन्नौज से आया बताते हैं। राजा ने उन्हें अपना गुरु बनाया और उन्हें राशिपुला गांव की जागीर दी, जिन्हें बाद में सिमतलिया नाम दिया गया। कश्यप गोत्र के पांडे, ये बरखोरा के पांडे भी कहे जाते हैं। ये काने कुब्ज ब्राह्मण हैं। इनके प्रथम पुरुष श्री महती कन्नौज से आए थे। वे अपने दो बेटों सिंह और नरसिंह के साथ काठगोदाम के पास भटोखरी में बस गए। राजा ने उन्हें अपना पुरोहित बनाया। नरसिंह के वंशज बरौती, भटकोट, गिवाड़, खरगोली और पीपल डांडा में बस गए। सिंह के वंशज पांडे गो, सिलोटी, बड़ा खेती, नहान और नेपाल में बसे हैं। इनके वंशज नेपाल में राजगुरु भी रहे। भारद्वाज गोत्र के पांडे, इनके प्रथम पुरुष श्री बल्लभ पांडे उपाध्याय कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। कन्नौज के खोर गांव से चंद राजाओं के समय कुमाऊं आए। बाद में राजा ने उन्हें राजगुरु के रूप में नियुक्त किया था और उन्हें पांडिया पाटिया ग्रामर को जागीर दी। उनके वंशज बाद में पटिया, कसून, पिलिख, बरेली, अनूपशहर, मेरर, पटेल खेत आदि शहरों में बस गए और स्थानों पर बस गए। कहा जाता है कि श्री बल्लभ पांडे के वंशजों की एक शाखा हवन के लिए लोहे को लकड़ी में बदलने में प्रसिद्ध थी, इसलिए उन्हें लोहानी कहा जाता है। दूसरी शाखा वेदों में निपुण थी और उन्हें कांडपाल कहा जाता है। लोहानी और कांडपाल लोहाना, कांडे, कोटा, कुमालता, थापला समेत कई गांवों में बसे हैं। पांडे वास्तव में चंद राजाओं के समय ब्राह्मणों को दी जाने वाली एक सम्मानजनक पदवी थी। मांडलिया पांडे, खड़कोटा के सरस्वत ब्राह्मण श्री चतुर्भुज पांडे काली कुमाऊं आए थे। वे राजा सोमचंद के समय कुमाऊं आए। मंडलिया या क्षेत्रीय अधिकारी बनकर मनाली गांव की जागीर उन्हें दी गई थी। उनके वंशज काली कुमाऊं और अल्मोड़ा में रहते हैं। देवलिया पांडे, एटकिंसन के अनुसार गौतम गोत्रीय पांडे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से राजा थेरचंद के शासनकाल में आए। ये पांडे खोला, चामी, हाट और छाछर में रहते हैं। कुलेटा पांडे, ये लोग चंद राजाओं के समय रानी के गुरु थे, इसलिए गुरु रानी भी कहलाए। गुरेला पांडे, ये चंद राजाओं के समय रानी के पुरोहित थे। अब त्रिपाठी, इनको तिवारी भी कहा जाता है, कुछ लोग इनको त्रिवेदी भी कहते हैं। ये गुजरात से कुमाऊं आए, गौतम गोत्र के हैं। पंडित श्रीचंद तिवारी अपने पुत्र पंडित सुखदेव तिवारी के साथ अमलाबाद बडनगर गुजरात से आए थे। वे चंद नरेश उद्यान चंद के दरबार में आए। राजा ने पिता के बजाय पुत्र को ज्यादा तवज्जो दी। श्रीचंद तिवारी नाराज हो गए और अल्मोड़ा चले गए। उस क्षेत्र में कतियुरों का राज था। श्रीचंद तिवारी के ज्योतिष से राजा प्रसन्न हो गए। उन्हें अल्मोड़ा में जागीर दी। उनके वंशज अल्मोड़ा के तिवारी कहलाए।
उनके वंशजों को अलग अलग समय के दौरान अलग अलग राजा जागीर देते रहे। लोहानी, यह लोहमी से निकला शब्द है, इन्हें लोहांजू से भी कहा जाता है। लोहांजू, मान्यता है कि लोहानियों के प्रथम पुरुष प्रसिद्ध ज्योतिषी व कर्मकांडी थे। किसी चौहान राजा ने उन्हें अपना पुरोहित बना दिया था। राजा के यज्ञ में अन्य ब्राह्मणों व पुरोहित उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने लकड़ी के बजाय हवन कुंड में लोहे की छड़ें रख दी थी। राज पुरोहित ने अपने मंत्रों से उन लोहे को भी भस्म कर दिया था। इस पर राजा ने उन्हें लोहा लोहा या तो लोहा और होमी माने भस्म लोहमी की उपाधि दी। चौहान राजा ने लोहमी राजपुरोहित को उपहार देने का फैसला किया। राजपुरोहित ने अल्मोड़ा जिले के पास कद्दू के बीज उगाने के लिए जगह मांगी। राजा ने हाँ कर दी। राजपुरोहित के उगाए कद्दू के बीज से लताएं 7 गांवों तक फैल गई। इन 7 गांव के समूह को सतराली कहा जाता है। वहां लोहानी बसे हैं। अल्मोड़ा जिले के संग्रहालय में रखे ताम्र पत्र या तांबे की चादर में लोहमी शीर्षक और सतराली के उपहार की पूरी कहानी उसमें उल्लेख मिलता है। उप्रेती, ये सारस्वत ब्राह्मण है। इस समुदाय के लोग कुमाऊं के साथ ही गढ़वाल और सिक्किम के साथ ही नेपाल में भी पाए जाते हैं। पंडित रुद्र दत्तचंद लिखते हैं कि कत्यूरी राजा के समय नेपाल के डोटी के चौकी गांव से श्री शंभु शर्मा काली कुमाऊं आए। वे कनौजिया ब्राह्मण थे, प्रेती या पेती गांव में बसने से उप्रेती कहलाए। हालांकि पंडित राम दत्त ज्योतिर्विद लिखते हैं कि द्रविड़ देश के वाजपेयी महाराष्ट्र ब्राह्मण श्री शिव प्रसाद मणकोटी राजा के समय आए। राजा ने उनके उपरेड़ा गांव में दिया, इसलिए उप्रेती कहलाए। उप्रेती भी कई तरह के हैं। बद्रीदत्त पांडे की पुस्तक कुमाऊं का इतिहास के अनुसार उप्रेती मूल रूप से पश्चिमी भारत क्षेत्र के महाराष्ट्र राज्य के निवासी थे। वे 12वीं शताब्दी में इस्लामी आक्रमण के कारण कुमाऊं आए। बाद में अल्मोड़ा जिले के अन्य ब्राह्मणों के साथ नेपाल भी गए। भट्ट, हिमालय के प्रसिद्ध इतिहासकार एटकिंसन के अनुसार भट्ट लोग भारद्वाज, उपमन्यु, विश्वामित्र या वह कश्यप गोत्री हैं। कुछ लोग कहते कि वे भट्टाचार्य हैं थे। चंद राजाओं के समय आए, कुछ लोग कहते कि चंद राजाओं के समय दो भाई आए थे, राजा के यहाँ काम करने लगे, जिस गांव में बसे उसी नाम से पुकारे गए, जैसे कि बड़ुआ, कपोली, धनकोटा, डालाकोटी, मठपाल आदि। ये लोग आपस में विवाह कर लेते हैं। कुछ भट्ट महाभट्ट का काम भी करते हैं। कहा जाता है कि विशाड़ के भट्ट ब्राह्मणों के मूल पुरुष श्री विश्वकर्मा दक्षिण से आए थे। बम राजाओं के समय सूर में आए। इन राजाओं के पुरोहित समेत विभिन्न पदों पर वे रहे। इनके अलावा भट्ट और भी हैं जो कि राजा भीमचंद के समय आए, बनारस से आए परंतु दक्षिण के हैं। पिसोद के भट्ट कहते हैं कि वे काशी से आए थे। मिश्र या वैद्य, उपमन्य गोती श्रीनिवास द्विवेदी प्रयागराज से कालमी कुमाऊं आए थे। कोठारी, श्री सूर्य दीक्षित कोठारी नागर ब्राह्मण मालावर के कोठार नगर से आए। गंगोली के मनकोटी राजा ने इनको कोठी या कुठार यानी भंडार का रक्षक बनाया, इसलिए या कोटियाली या कोठारी कहलाए। हालांकि पंडित राम जगदीश ज्योतिषविद कहते हैं कि क्या कहना है कि कोठारी लोग दक्षिण के कोंकण के किरार गांव से आए थे, ये पंत भी कहलाते हैं। इनके साथ ही विष्ट, ड्या, पाटनी, कुलेटा, गुरुल, रसेरा, ये भी सब एक ही तरह के ब्राह्मण माने जाते हैं। दड़्याविष्ट, ये देवनिधि सारस्वत, श्री देवनिधि सारस्वत ब्राह्मण कुंवर सोमचंद के समय काली कुमाऊं आए थे। राजा ने इनको अपना कारदार बनाया, इनको विष्ट का पद मिला था। पाटनी, काली कुमाऊं के राजाओं ने इनको काली पार डोटी के राजाओं के यहाँ बतौर राजदूत भीता भेजा। पार व तारणी से पाटनी कहलाए। रशारा, ये राजा के यहाँ रसोई बनाते थे, इनको पांडे का पद नहीं मिल पाया था। सौंच के सौंजाविष्ट, श्री चंद्रधर सारस्वत ब्राह्मण चंद्र राजा सोमचंद के साथ आए। राजा ने इनको विशिष्ट यानी विष्ट का पद दिया। उपाध्याय, ये कालीपार नेपाल से आए ब्राह्मण हैं। इनके पूर्वज वेद पाठी व कर्मकांडी ब्राह्मण थे। शोर में खोली को उपाध्याय और सौंच के सौंजाविष्ट एक ही तरह के ब्राह्मण हैं। अध्यापक होने कारण ये उपाध्याय कहलाए। पाठक, श्री जनार्दन शर्मा सारस्वत ब्राह्मण थानेश्वर कुरुक्षेत्र से मणिकोटी राजा के यहाँ गंगोली में आए।
राजा ने कालका देवी के मंदिर में पाठ करने को के लिए नियुक्त किया, इसलिए पाठक कहलाए। पटक्यूड़ा गांव है इनका। दसौली कराला जोली में भी दूसरे पाठक रहते हैं। हालांकि यह टेंशन लिखते हैं कि कश्यप गोत्री पाठकों के मूल पुरुष श्री कमलाकर थे। वे अवध के सरनाल पाली गांव से आए थे, मणकोटी राजा के यहाँ रहे। इसी तरह शांडिल्य गोत्र के पाठकों के मूल पुरुष श्री जरार्दन थे, वे थानेश्वर से आए थे। पत्याल घराने के पाठक पाली में रहते हैं। अवस्थी या ओस्ती, ये लोग अस्कोट के रजवार उछल पाल के समय यहाँ आए। उनके मूल पुरुष पंडित विद्यापति अवस्थी थे। पंडित रुद्र दत्त पंत इनको कनौजिया ब्राह्मण बताते हैं, जबकि कुछ इनको मैथिल ब्राह्मण कहते हैं। ये लोग राजाओं के गुरु, दीवान, लेखक, कारवारी, रसोईया, पुजारी आदि थे। कहा एक भी कहा जाता है कि कन्नौज क्षेत्र के दो भाई कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आए थे और वे वहाँ अस्कोट के पास नदी के किनारे गुफा में बैठे थे, पूजा कर रहे थे। तो राजा ने उनकी विद्वता को देखकर अपने यहाँ उन्हें रुकने का और वहीं बसने का आग्रह किया था। झा या ओझा, पंडित रुद्र दत्त चंद पंत के अनुसार श्री राम ओझा मैथिल ब्राह्मण चंद्र राज्य के समय आए थे। उनकी संतानों को राजा ने डीडी हाट के निकट अस्कोट गांव में देवी की पूजा के लिए पुजारी रखा था। हालांकि पंडित रामदत्त के अनुसार ओझा तिरुपति या मिथिला से नेपाल डोटी होते हुए अस्कोट पहुंचे। अधिकारी, भट्ट वंश के श्री जयराम व श्री पारसर दो भाई मेवाड़ से कुमाऊं आए। पहले कत्यूरी राजाओं के कारदार थे, रक्तल गांव में बसने थे, रक्तली कहा है। रंगतली को जाति को चंद राजाओं ने अपना कारदार बनाया था। तराई में अधिकारी होने के कारण अधिकारी कहलाए। कुमाऊं में वैसे कुछ ऐसी जातियां हैं जो क्षत्रिय जातियां भी लिखती हैं, वही सरनेम और ब्राह्मण भी, जैसे विष्ट, अधिकारी आदि। भाट, श्री काली शरण राय उर्फ भाट ज्वालामुखी क्षेत्र से काली कुमाऊं आए थे। दुर्गापाल या दुगाल, ये भारद्वाज गोत्र के हैं। कहा जाते कि कत्यूर राजाओं के समय कन्नौज से आए दुर्गा देवी के पुजारी थे। कोई कहता है कि दुर्ग यानी किले के रक्षक थे, इसलिए दुर्गापाल कहलाए। मठपाल या मढ़पाल, ये भारद्वाज गोत्र के हैं। कहा जाता है कि वे दक्षिण से आए, ज्योतिष में प्रवीण हो थे। राजा ने गुसिला गाँव की जागीर दी थी। इनमें से कुछ जोशी हो गए, बाकी भट रहे। राजा त्रिमल चंद्र ने द्वारहाट के बद्रीनाथ मंदिर की पूजा का दायित्व इनको दिया था। मठ के अधिकारी होने से मठपाल कहलाए। वैष्णव, खैरागढ़ के महंत सेवादास को राजा ने वैष्णव मंदिरों की पूजा के लिए बुलाया था और इनके वंशज अब भी पुजारी हैं। जागेश्वर के पंडे, ये बड़ुआ कहे जाते हैं, परंतु ये अपने को भट कहते हैं। कहा जाता है कि लोग राजा उद्यान चंद के समय बनारस से आए थे, परंतु ज्यादा यह प्रचलित है कि ये दक्षिण के भट्टों के वंशज हैं। आदि शंकराचार्य के साथ आए उन जंगमों में शामिल हैं जिन्हें मंदिर मठों के पुजारी रखा गया था। किसी भट्ट ने पहाड़ की ब्राह्मण कन्या से विवाह कर लिया था और उनके वंशज वटुक या बड़ुआ कहलाए। मंटनिया, ये दक्षिण से आए मनटांग गांव में बसने से मंटनिया कहलाए। दुमका, ये पाली पछाओं के रहने वाले थे। पनेरू, ये राजा सोम चंद के समय आए। इनके अलावा भी कई ब्राह्मण जातियां हैं। पंडित रुद्र दत्त चपंत के अनुसार कुमाऊं में बहुत से ब्राह्मण पुराने ब्राह्मण कहे जाते हैं। इनके वंश अक्षर गांव के नाम से हैं। जैसे राज्यों के समय बाजार को हाट कहते थे, जैसे द्वाराहाट, सेलीहाट, गाँव हाट, शीतलाहाट, गंगोली हाट आदि, डीडी हाट आदि। इनके पुराने निवासी हटवाल भी कहे जाते थे। इसी तरह चहज गांव के पुराने ब्राह्मण चहजी या चौदसी कहलाते थे। ये ज्योतिष का काम भी करते थे, इसलिए कुछ लोग जोशी भी कहे जाते हैं। गुरान गांव के गुरानी, छिमी गांव के छिम्बाल, मंटना के मंटनिया, कपोला के कपोली, दुर्ग गांव के दुर्गापाल, बनौली के बनौला, सन गांव के सनवाल कहलाए। इस तरह के बहुत से गांव हैं, बगड़वाल, सेलाकोटी, मनौली, मेवली, रैगनी, पवने, शिवने, जनकंडिया, गहत्याड़ी, चौसाल, कफड़िया, धरवाल, मुनगली, मतैली, नयाल, अधय, कनौड़िया, बटौला, चमड़ियाल,
बिलाल, सती, खत्या, मनकुन्या, मनोली, अग्रवाल, चिनाल, खोनिया, सुनाल आदि हैं। ये टाइटल उनके जो सरनेम है ये उनके गांव से बने हैं। पंडित राम दत्त ज्योतिर्विद लिखते हैं कि ग्राम व वृत्ति नाम से भी कई जातियां वहाँ हैं, जैसे कि पूजा करने वाले पुजारी, भक्ति करने वाले भक्त, दरबार में हरि कीर्तन करने वाले हरबोला, फूल देने वाले फुलारा, मठ की रक्षा करने वाले मठपाल, दुर्गा मंदिर के रक्षक दुर्गापाल, रानी को मंत्र देने से गुरानी, बेल देकर आशीर्वाद देने वाले बेलवाल आदि हैं। इस प्रकार 300 से अधिक जातियों में कुमाऊँ के ब्राह्मण विभक्त हैं। कई तो पंत और पांडवों की जो संतानें हैं, और इनमें से कई अपने देश से अकेले आकर यहाँ बसे थे, और कुछ इस तरह हैं, इनमें कपिलाश्रमी, दुर्गापाल, मठपाल, भक्त, ये सभी खुद को गल्ली के जोशी के वंशज भी बताते हैं। हैडिया पढ़लानी खुद को सिलवाल जोशी के संतानें बताते हैं। सती, सुनाल, बिजरौला ये ब्रजवासी ब्राह्मण हैं। करवाल नैसाली खुद को त्रिपाठी के वंशज कहते हैं। बिलवाल कैनी खुद को पाठक बताते हैं। गुनी गुणवंत उपरिया तथा पाली पछाव से आए दुमका, सुयाल, बलूटिया व डोनियाल बमेटा खुद को त्रिपाठी बताते हैं। हिमालय इतिहास एटकिंसन ने हिमालयन गजेटियर में कुमाऊँ के 250 ब्राह्मण जातियों की सूची तैयार की थी। इनमें से अधिकतर अपने खेतों में हल जोतते थे, वे अपने गांव के नाम से पुकारे जाते थे। कुमाऊँ केसरी बद्री दत्त पांडे अपनी पुस्तक कुमाऊँ का इतिहास में लिखते हैं कि पंडित परशुराम सखनौली से उन्हें एक कागज मिला था, जिसे राजा रुद्रचंद के समय का बताया जाता है। इसमें लिखा है कि राजा रुद्रचंद के समय पर परिषद बैठी थी, उसमें सभी ब्राह्मणों की सूची तैयार की गई थी। इसके तहत सभी कुमाऊनी ब्राह्मणों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पांडे जी की पुस्तक में दी गई ब्राह्मणों की सूची में 150 जातियों के नाम उल्लेख हैं। इस पुस्तक में कहा गया है कि पंडित गंगाधर उप्रेती ने भी ब्राह्मणों की लेकर अपनी राय दी थी। पंडित उप्रेती जी की जानकारी के अनुसार गल्ली के जोशी कानिकुब्ज ब्राह्मण हैं, वे कन्नौज से आए। जिजाड़ के जोशी चौबे थे, प्रयाग से आए। लटौली के जोशी ज्योतिषी थे और कन्नौज से आए। पोखरी के जोशी नेपाल से आए। दन्या के जोशी प्रयाग से आए। सिलवाल के जोशी कन्नौज से आए। चीना खान धुरा के जोशी व दफौट के जोशी कन्नौज से आए। मसमौली के जोशी दक्षिण से आए। खटकीनी के जोशी कन्नौज से आए। बाड़वे के जोशी झांसी से आए। पैठाण के जोशी गौड़ हैं और झांसी से आए। चहज के जोशी कानिकब्ज हैं और कन्नौज से आए। नगीला के जोशी उपाध्याय हैं और झांसी से आए। दैना और रलकोट के जोशी नेपाल से आए। पंतों में हटवाल पंत व भट्ट हैं और बनारस से आए। उपरारा राड़ा जोगड़ा आदि के पंत दक्षिण से आए। आगो व सांगड़ी पंत कानिकब्ज हैं और नेपाल से आए। उप्रेती दक्षिण से आए थे। अल्मोड़ा के त्रिपाठी गुजरात से आए। अल्मोड़ा के कर्नाटक दक्षिण से आए। पांडे ब्राह्मण बरखोला के पांडे कानिकुब्ज हैं और कन्नौज से आए। देवली व पारकोटी के पांडे पंजाब से आए। मजेठा पांडे उपाध्याय हैं, नेपाल से आए। सिमलताना पांडे कानिकुब्ज हैं, झूसी से आए। रसहरा पांडे कानिकुब्ज हैं और झांसी से आए। पाटिया पांडे उपाध्याय बांदा से आए। बयाला पांडे भट्ट हैं और बनारस से आए। बलकोट गडोलिया सूपी के पांडे कानिकुब्ज हैं और कन्नौज से आए। लेजम के पांडे दक्षिण से आए। फटक्यूड़ा के पाठक कानिकुब्ज हैं और कन्नौज से आए। दसौली पाठक भट्ट हैं और कन्नौज से आए। पुनेठा पाठक कानिकुब्ज हैं और झांसी से आए। सीरा तथा अनूप शहर के वैद्य उपाध्याय हैं व नेपाल से आए। कुमाऊँ में विष्ट ब्राह्मण भी हैं। डड्डा विष्ट उपाध्याय हैं और झांसी से आए। गडेरा विष्ट उपाध्याय हैं और कन्नौज से आए। पाटनी मिश्र हैं और मध्य प्रदेश से आए। उपाध्याय खौरी आदि गौड़ हैं और झांसी से आए। खेती उपाध्याय नेपाल से आए। कुलेठी भट्ट हैं और दक्षिण से आए। संगेठा कानिकुब्ज हैं और कन्नौज से आए। डमटा गोरिया व गुरेला भट्ट हैं व दक्षिण से आए। ऊझा उपाध्याय हैं व नेपाल से आए। ओस्ती मिश्र हैं और नैमिथिल पटना से आए। लोहानी उपाध्याय हैं, बांदा से आए। कन्याल थपलिया व पनीर उपाध्याय हैं और बांदा से आए। कोठारी भट्ट हैं व दक्षिण से आए। गातौड़ी गौड़ हैं और झांसी से आए। बसेल पांडे झूसी से आए।
भट्ट बनारस से आए, गुरानी भट्ट हैं वह नेपाल से आए, हरिभोला उपाध्याय और दक्षिण से आए। पंडित गंगा प्रसाद उप्रेती की इसी सूची में अन्य ब्राह्मणों का भी उल्लेख किया गया है। दुगाल भट्ट हैं और दक्षिण से आए, दुमका भट्ट हैं नेपाल से हैं, बंटनिया उपाध्याय नेपाल से हैं, कपुली भट्ट हैं नेपाल से हैं, पुंडोला और जखोली मिश्र हैं और कन्नौज से आए, चरम्याल जोशी हैं आगरा से आए, काकड़ी भट्ट हैं बनारस से आए, बगौली गौड़ हैं झांसी से आए, गोठडिया जोशी हैं गढ़वाल से आए, धुनिया तिवारी हैं दक्षिण से आए, बलिया जोशी हैं कन्नौज से आए, बटगली भट्ट हैं बनारस से आए, कन्याल कन्नौज से आए, शरणी तिवारी हैं गुजरात से आए, नैर पाठक हैं कन्नौज से आए, बुधानी बसगाई व कबड़वाल गढ़वाल से आए, उपाध्याय झूसी से आए, बिनवाल पूर्व से आए, सीलिया व सुयाल अवश्य आए, चौथिया बगौरिया व घरियाल नेपाल से आए, फिल्डियाल गढ़वाल से आए, करगेती पीलीभीत से आए, कनेली मंसूरी व शूरी व करसिया कन्नौज से आए, कठौलिया असवाड़ा व चौनाल तिवारी है गुजरात से आए, बसौटी धनखनी व धौलखनी व घुप्त्याल मिश्र और कन्नौज से आए, कन्याड़ी और धुरकी भट्ट हैं बनारस से आए, सिटौला बसौला डंगरिया चौनिया जिमखोला मिश्र हैं रोहिलखंड से आए, बिमली बगौनिया मिश्र हैं दक्षिण से आए, डालाकोटी रतखनिया नैनवाल नौलिया सैलिया शुरिया मिश्र हैं और कन्नौज से आए, सिलफोटी व गुनी मिश्र हैं नेपाल से आए, फुलेरा वो भी मरानस से आए, कनेली नौरियाल भम्बाल कुलेठा मिश्र हैं दक्षिण से आए, टकवाल मिश्र हैं नेपाल से आए, चंदोला गढ़वाल से आए, नौगाई मिश्र हैं बनारस से आए, खरकवाल नदौलिया रमा करगेती मिश्र हैं नेपाल से आए, लोकोटी व पडलिया मिश्र हैं नेपाल से आए, कश्मीरी मिश्र हैं पंजाब से आए, दड़म्बवाल मिश्र हैं गढ़वाल से आए, कंसेरी हत्तेली मन्यूटिया व कड़मोलिया मिश्र हैं गढ़वाल से आए, कुमया मिश्र नेपाल से आए, कुकरेती मिश्र हैं गढ़वाल से आए, ग्वालकोटी कन्नौज से आए, डुंगरिया नौटियाल गढ़वाल से आए, रतखनिया तलरिया घनेला डुरला नेपाल से आए, मुशाल बदायूं से आए, सती नेपाल से आए, सैलिया नागाई गढ़वाल रुबाली बरतोला कन्नौज से आए, डोलिया भट्ट अवश्य आए, इचटा कन्नौज से आए, मध्योली नेपाल से, गढ़ियाल अधोई व गुनी बिहार से आए, बिनवाल कन्नौज से आए, मनोलिया अवश्य आए, नौलिया कन्नौज से आए, खराल चित्रकूट से आए, मिश्रवोलिया कन्नौज से आए, गढ़िया योटा झांसी से आए, अनुरौला बनारस से आए, चौड़ियाल रेगुड़ी पचौलिया घसकोटी नेपाल से आए, औलिया सुनौली बैने नेपाल से आए, किमाड़ी कन्नौज से आए, बड़ुआ बनारस से आए, गौली कन्नौज से आए, गतौड़ा झांसी से आए, बगौली नेपाल से आए, बाराकोटी कन्नौज से आए, बीरवाल दक्षिण से आए, चिलवाल झूसी से आए, बचखेती नेपाल से आए, बालसुड़ी बुघाणा गढ़वाल से आए, खाली बरतौला व चौलेटा नेपाल से आए, बीडिया कर्नाटक से आए, गोलना सिटी बनारस से आए, कोयराला बनारस से आए, डुगरा कोटी झांसी से आए, अटवाल अग्निहोत्री है लखनऊ से आए, भाट बनारस से आए, दंतोलिया उपाध्याय हैं नेपाल से आए, पंचोली संगवाल व मोराड़ी नेपाल से आए, चौलिया बनारस से आए, गुड़ियोटा बनारस से आए, पपने बनारस से आए, रिखाड़ी वास्तीय मुनगली नेपाल से आए, सनवाल दक्षिण से आए, कपोली बनारस से आए, सुल्याल जोशी कन्नौज से आए, धनखोला बनारस से आए, बगड़वाल हटवाल चहजी व चौड़ासी जक्सन से आए, चमरवाल आगरा से आए, औली पांडे हैं कन्नौज से आए, मेलकनिया उपाध्याय झांसी से आए, छिम्बवाल चौबे हैं झांसी से आए, गौरवाल कन्नौज से आए, शती कन्नौज से आए, छतगुली ओझा हैं पटना से आए, बमनपुरी गढ़वाल से आए, मठवाल दक्षिण से आए, दुमका उपाध्याय हैं नेपाल से आए, मंडिया व बचखेती दक्षिण से आए, बड़सिची झांसी से आए, काकड़ी बनारस से आए, गोटकाड़ा मठ मौलिया
थापलियाल, नगीला, बुधाणी, बाराकोटी, डंगवाल, पथड़िया, हिंचुड़िया व कपकोटी नेपाल से आए। नौरगी व चपड़वाल जोशियाँ दक्षिण से आए। बिस्टाल बनारस से आए। भट्ट बनारस व नेपाल से आए। छिवाल नेगी भी ब्राह्मण हैं, वे चौबे हैं, झांसी से आए। छुपका आदिगौड़ हैं, जनकपुर से आए। पडोला नेपाल से आए। अन्नरणी उपाध्याय हैं, जनकपुर से आए। मतौड़ी जोशी हैं, नेपाल से आए। भगौली गौड़ हैं, झांसी से आए। इस तरह हम देखते हैं कि कौमार बहुत सी जातियाँ जो हैं वो नेपाल से आई, जबकि गढ़वाल से लखेड़ा, चंदोला, सती, ममगई, नौटियाल, भगुणा समेत कई जातियाँ यहाँ आई। यहाँ वैसे कई जैसे सती और कुछ ऐसी जातियाँ थपलियाल, इनको यहाँ नेपाल से आया बताया गया है। इसके अलावा बहुत सी जातियाँ महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान व दक्षिणी राज्यों से भी आई। उत्तर प्रदेश, बिहार से भी बहुत से लोग यहाँ आए। इनमें कन्नौज, झूसी, बनारस, झांसी आदि प्रमुख हैं। और यह भी देखने की बात है कि कई सरनेम जो हैं वह ब्राह्मणों और ठाकुरों के यहाँ पे मिलते हैं। तो यह कुमाऊँ के ब्राह्मण का इतिहास है जो मुझे उपलब्ध हो पाया। इसमें विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत भी देखने को मिलते हैं। इनमें जो भी अंतर दिखाई देता है वह विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी के कारण मिलता है, इसलिए इसमें अंतिम सत्य मानकर अपनी जाति और कुल को लेकर स्वयं की ही जानकारी जुटेने का प्रयास कीजिए। क्योंकि कई बार मैंने इसमें देखा है, जो ये किताब उनके बद्रीदत्त पांडे जी की पुस्तक है, उसमें एक ही जाति के सरनेम को अलग अलग स्थानों से आया बताया गया है। तो संभवतः यही है कि ये जातियाँ जो हैं अलग अलग तरह की हैं, उनके सरनेम एक हैं लेकिन वे अलग अलग क्षेत्रों से आए थी। तो यह था कुमाऊँ के ब्राह्मणों का इतिहास। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालय लोक लाइक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसकी टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ ओला को भी सुन लेना मेरा ही लिखा है और इसी चैनल में है, और गूगल में लिखिए हम पहाड़ ओला तो आपको गीत मिल जाएगा। हमारे सहयोगी चैनल संपादकीय न्यूज को भी देखते रहना। अगली वीडियो कुमाऊँ के जजमानों पर होगी। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।